नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि का जो स्वामी है रवि, उसी प्रकार बुध और शुक्र, ये जो तीनों ग्रह है वह केतु की युति में जा रहे हैं सितंबर के महीने में। उसी प्रकार बाकी के जो भी ग्रह है उसके भी जो प्रभाव परिणाम सिंह राशि के लिए सितंबर महीने में किस प्रकार से होने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि में दिनांक 5 तारीख से लेकर 23 तारीख तक का जो समय है उसमें जो बुध है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो षष्ठेश है शनि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री है। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इन तीनों ग्रहों के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 15-20 दिनों में देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा है। मतलब आपकी जो राशि है मूलतः कॉन्फिडेंस के आधार पर ही आगे चलती है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है रवि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण करे, तो जो कॉन्फिडेंस है वो आप में काफी अच्छा देखा जा रहा है। उसी प्रकार जो ऊर्जा का जो तत्व है वो भी आप में काफी अच्छा देखा रहा है। तो यही जो बात है वह इस महीने में भी लागू होगी। उस प्रकार दो तीन बातें पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उससे रिलेटेड कुछ बातें इस महीने में दिखाई दे सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस महीने में भी कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल काफी अच्छी रहेगी। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो इस महीने में आप कर सकते हो। तो कुल मिलाकर देखा जाए, फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मानसिक या फिर शारीरिक तौर पर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इस महीने में देखे नहीं जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। बेसिकली आपके राशि के लिए दो जो ग्रह है वह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए, आपके आर्थिक स्तर के लिए। एक है बुध, दूसरा है गुरु। बुध जो ग्रह है ये आपका लाभेश है, धनेश है, और जो गुरु ग्रह है ये आपका पंचमेश है और अष्टमेश भी है। अब जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो बुध ग्रह है वो आपके वेय भाव में भ्रमण कर रहा है, 5 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, और 24 तारीख के बाद ये जो बुध है वो स्वयं की राशि में आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो गुरु ग्रह है वो आपके दशम भाव में है, मार्गस्थ भी है। तो इस महीने में आपको पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे कि जो रवि है वह 17 तारीख के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, वहीं पर शुक्र भी है, और यह जो शुक्र है वो 19 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रवि, बुध और शुक्र के जो तीनों ग्रह की युति है वो आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है। अब यहाँ पर आपको पैसे तो अच्छे मिलेंगे लेकिन आपके खर्चे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, और आपकी जो राशि है खर्च करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती, काफी रॉयल राशि है, तो खर्च किया जाता है, खर्च हो जाता है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अनएक्सपेक्ट अनवांटेड खर्चे बिल्कुल भी नहीं करना इस महीने में, हो सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे करने से पहले थोड़ा सा इन डेप्थ सोच विचार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लिए जो पैसे की जो आमदनी है वो काफी अच्छी है। अब यहाँ पर जो मंगल आपके लाभ भाव में विराजमान है वो भी चतुर्थ दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है, तो यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं इस पर थोड़ा सा आपको लगाम कसना होगा। ये जो बात है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो पैसे से रिलेटेड जो भी मैंने बातें कही आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो गृह सौख्य है, फैमिली हैप्पीनेस है, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है मंगल, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, अब यहाँ पर घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनसे उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो छोटे मोटे बातें हैं, जो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस है वो सामने आ सकते हैं, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो बनी रहेगी, इसमें कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, वो मार्गस्थ भी है, तो आपकी जो लव लाइफ है उसमें किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है, मतलब सितंबर का महीना, वो काफी अच्छा होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण समय है वो बहुत ही ज्यादा शुक्रदायी साबित होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा इस महीने में। देखिए आपके सप्तम भाव में जो सप्तमेश है वो चल रहा है शनि, लेकिन वो वक्री है। उसी प्रकार आपके द्वितीय भाव में
रवि, बुध और शुक्र है और वे केतु के युति में जा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़ी बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो ज्यादा आ सकती है, कटना, चिन्हना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार की बातें, या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, या फिर प्रॉब्लम अगर चल रहे तो वो ज्यादा बढ़ भी सकते हैं, एक्सट्रीम पर जब भी जा सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शुक्र, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 19 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके दशम भाव में जो गुरु है वो भी भ्रमण कर रहा है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने नहीं मिलेगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकते हैं। करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड थोड़ी सी दौड़ धूप आपको करनी पड़ सकती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके खर्चे, आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ रिश्ते, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ इश्यूज के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इस महीने के करीबन 18-20 तारीख के बाद नहीं लेना। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग होते हैं उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपको किस तरह से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले दिनांक 3 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। खर्चे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को शुक्र और केतु की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में, यह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट खर्चे इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनसे के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वह भी इस तारीख के दरमियान थोड़ी बढ़ सकती है, दिनांक 4 तारीख के करीब। इसी प्रकार दिनांक 7 तारीख को हर्षल और बुध का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। आपको स्वयं के भाव भावनाओं के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है थोड़ी बहुत बोलने के समय एरोगेंट हो जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है उस पर थोड़ा सा बाधा आ सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बुध हर्षल का जो केंद्र योग है वो थोड़ा सा आप में थोड़ा सा एरोगेंसी एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा लेके आ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को शुक्र और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो गुरु शुक्र का त्रिकोण योग है बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित होगा। गुरु जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग बहुत ही ज्यादा शुभदायी साबित होगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी इनकम आपको मिल सकती है। उसी प्रकार अपॉर्चुनिटी वगैरह भी काफी अच्छी मिल सकती है। तो गुरु शुक्र का जो त्रिकोण योग है वो आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण अगर आपको निर्णय लेने हैं तो यह जो पर्टिकुलर आस्पेक्ट है गुरु शुक्र का त्रिकोण योग दिनांक 15 तारीख को होने जाने वाला आपके लिए शुभदायी साबित होगा। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को शनि और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके सप्तम भाव में है, वक्री है, उसके साथ आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा जो बुध है वो प्रतियोग करने जा रहा है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा आ सकता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ अनबन इन दिनों में ज्यादा हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग काफी ज्यादा सफलदायी साबित होगा। आपको बिजनेस से रिलेटेड को बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, उसके कुछ रिटर्न भी काफी अच्छे आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को नेपच्यून और रवि का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहा है। आपके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इस दरमियान खर्चे जो रहेंगे, आपके जो स्पेंडिंग रहेंगी उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। भावनाओं में अगर किसी भी प्रकार के बड़ी रिस्क नहीं लेना, ये बात जान लेना थोड़ा आवश्यक है। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को हर्षल और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और जो हर्षल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग शुभ फलदायी साबित होगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को नेपच्यून और बुध का भी प्रतियोग होने जा रहा है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में ही ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं वो इस दरमियान थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं, दिनांक 25 तारीख के दरमियान। उसी प्रकार 28 तारीख को केतु और 29 तारीख को, मतलब 28 और 29 को
केतु और बुध की युति होने जा रही। अब ये जो पर्टिकुलर 2 दिन है 28 तारीख 29 तारीख, जो कि आपके द्वितीय भाव में रवि बुध की युति केतु के साथ होने जा रही है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है उस प्रकार। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके साथ जो बातें हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लीट हो सकती है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। तो ये जो बातें हैं काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय भाव पर ज्यादा देखा जाएगा। इसी प्रकार इस महीने में 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शनि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग काफी ज्यादा सुफलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ जो अनबन हुई है पूरे महीने में वो काफी ज्यादा नॉर्मल हो जाएगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, अच्छा समय आपका कट सकता है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आप ही के राशि में होने जा रही है, और जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को है। देखिए अमावस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो भी रवि है। पूर्णिमा और अमावस के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम काफी ज्यादा भावनातीत होकर गलत निर्णय लेने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिनांक 2 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, किसी को कमिटमेंट प्रॉमिस या फिर विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का सितंबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।